नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रचनी। बिहार बाढ़ से ग्रसित इलाका है। छह महीने तक सीमांचल की बात करें, कोशी इलाके की बात करें, लोग यहां पर परेशान होते हैं। अपना घर बार छोड़कर कुछ लोग तो चले जाते हैं दूसरे राज्यों में, और कुछ लोग यहीं रह जाते हैं ये सोचकर कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी। सरकार उनका विस्थापन करती है, लेकिन पुनर्वास पर बात हमेशा अटक जाती है। बड़े बड़े बातें किए जाते हैं पुनर्वास को लेकर, आशियाने बनाए जाएंगे, आपको बसाएंगे हम, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज एक ऐसे ही मुद्दे के साथ हम आए हैं। कटिहार के सैकड़ों विस्थापित आज भी पुनर्वास के आस में यहाँ वहां भटक रहे हैं। आंदोलन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही मिला, हाथ अब भी खाली है, और एक बार फिर से वो आंदोलन कर रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि शायद पुनर्वास हो। मॉनसून आते ही कोशी के इलाके में रहने वाले लोगों की आंखों में खौफ दिखता है, खौफ उस बाढ़ का जो सब कुछ तबाह कर देती है। कुछ लोग तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते हैं। सरकार पुनर्वास की बात करती है, विस्थापित करती है, लेकिन हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये सैकड़ों ग्रामीण यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं अपने उजड़ते आशियाने को बचाने के लिए। गंगा, महानंदा और कोशी के कटाव का दर्द झेलते कटिहार के विस्थापित एक बार फिर सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में करो या मरो आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं। विस्थापितों का कहना है कि सरकार और कटिहार जिला प्रशासन पिछले बार हुए आंदोलन पर उन्हें आश्वस्त किया था कि उन लोगों के पुनर्वास पर जल्द गंभीरता से विचार किया जाएगा, मगर तीन महीने के समय देने के बाद अब तक छह महीने गुजर गए। न ही जिला प्रशासन और न ही प्रदेश सरकार पुनर्वास के इस मुद्दे पर गंभीर दिख रही है। मजबूरन लोग आंदोलन के लिए बेबस हैं। और हमारी घर जो आज 15 साल से बांध पर हैं, और हम लोग बेघर हैं, जिस पर जेसीबी लगा करके हम लोग का घर तोड़फोड़ करने के लिए पदाधिकारी तैयार हैं, तो उस पर हम लोग अड़े हुए हैं। सर, हम लोग के पास घर द्वार नहीं है, हम लोग कहाँ जाके रहेंगे? क्या वो लोग कह रहे हैं हम लोग को इससे बात से कोई मतलब नहीं है। तो जमीन क्या हुआ? बिल्कुल गंगा में कट के, मतलब हम लोग विलीन हो गया है। मैं विस्थापित हूँ, और क्या कि कटौती जगह का हूँ। मेरा घर चरवा विद्यालय मनियारी है, और हम लोग को इतना दिक्कत है कि प्लास्टिक का घर बना के रह रही हूँ, और मैं हैंडीकेप्ड हूँ, और मेरा वहाँ पे सबका प्लास्टिक का घर है। जब आंधी तूफान आता है तो सारा घर को उजाड़ देता है, और सब क्या है कि बारिश में भींग करके कितना बिजली में मर रहा है, कितना बारिश में भींग रहा है, चीज का कोई लाभ नहीं। और अभी तक सरकार हम लोगों को कोई लाभ नहीं दिया। दूसरी बात, जब हम लोग आंदोलन में बैठे थे 20 दिसंबर को 2016 में, तो हम लोग को टाइम दिया था 3 महीना का। 3 महीना से 6 महीना गुजर गया, आज तक हम लोग को कोई सुविधा, कोई लाभ, कहीं जमीन नहीं दिया। वही सामाजिक कार्यकर्ता विक्टर झा का कहना है कि इस मॉनसून के मौसम में बांध पर अस्थायी रूप से डेरा डाले हुए विस्थापितों को सड़क निर्माण के नाम पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो उसका घोर विरोध करते हैं। हालांकि सड़क निर्माण जरूरी है, लेकिन बाढ़ और कटाव से विस्थापितों का पुनर्वास अति आवश्यक है। मरो या यह नारा के साथ हम यहाँ आज बैठे हैं। पिछले 3 साल से लगातार हम विस्थापितों के पुनर्वास और कटाव की समस्या को लेकर हम लड़ रहे हैं। पिछले दिसंबर में भी हमने 6 दिन का आमरण अनशन किया था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। उस जन आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार और प्रशासन ने फरेब का सहारा लिया, झूठ का सहारा लिया, और भरी सभा में लगभग 20,000 लोगों के बीच में ये तत्कालीन जिला पदाधिकारी और समस्त पदाधिकारी ने ये आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर हम इनको जो है पुनर्वासित करेंगे। लेकिन आज 6 महीने बीत गए हैं, एक भी लोगों को पुनर्वासित नहीं करवाया जा सका है प्रशासन के द्वारा। वहीं
अभी जो विपरीत परिस्थिति है, बाढ़ और बरसात का समय है, ऐसे में इन विस्थापितों का घर तोड़ा जा रहा है ताकि बांध पे रोड बन सके। ये ग्रामीण लंबे वक्त से अपने पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। तो करो या मरो के मूड में है आंदोलनकारी। सैकड़ों लोग पुनर्वास की आस में है। क्या कर रही है सरकार? जवाब सरकार से जरूर लेंगे, लेकिन विपक्ष के लोग कितने गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। इंजीनियर अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अजय जी आपका। जी नमस्कार। सैकड़ों लोग पुनर्वास की आस में आज भी है, सरकारें वादे करती है, क्यों नहीं निभा पाती है, क्या परेशानी होती है? देखिए, सरकार बिहार के अंदर कभी भी इन सब मुद्दों पर गंभीर नहीं रही है। खास करके ये जो नई सरकार 2015 में महागठबंधन की बनी है, देखिए उस इलाके में विक्टर नाम का एक नौजवान वहां काम करता है और उसने बड़े आंदोलन खड़े किए थे हजारों लोगों के साथ। उस आंदोलन को जब विकराल रूप देखा बिहार की सरकार ने, तो सरकार ने यह निर्णय लिया था और कहा था कि हम अमुक समय तक जो टाइम के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि जो कटिहार के अंदर जो विस्थापित हुए हैं लोग उनके जीवन में कुछ बेहतर हो सके। लेकिन राज्य सरकार को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। राज्य सरकार केवल शराब के मुद्दे पर ही देश के अंदर अपनी जो ताक है उसको बचाने के फेरे में है, बाकी जनहित के मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर हमेशा जिस तरह लोगों के आंदोलन में हमेशा से साथ रही है, और कटिहार जो इलाका है, खास करके यह सीमांचल का इलाका है, यहाँ गरीबी गुर्बत भी बहुत ज्यादा है, राज्य सरकार का ध्यान उस इलाके में नहीं है। मैं भी उम्मीद करता था कि राज्य सरकार उस इलाके में खास करके बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन नहीं होने से बड़ा असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी है। रजनी जी शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए। तो अजय यादव जी का यही कहना है कि वो खड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी खड़ी हुई है आगे। हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस वक्त कटिहार से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं श्याम कुमार। श्याम कुमार, कब से ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और अब आगे क्या सोचा है इन लोगों ने, करो या मरो? देखिए रजनी, ये बिडंबना ही कहें कि इससे पहले भी जो आंदोलनकारी जो विस्थापित लोग हैं अपने आज से एक साल पहले भी ये आंदोलन किए और सरकार को चेताया था कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो ये आंदोलन और उग्र होगा, लेकिन उस समय सरकार ने खुद वादा किया था और खासकर जो कटिहार के तत्कालीन सीएम थे उन्होंने खुद मंच छापे जो वादा किया था जो विस्थापित है उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद इन लोगों को पुनर्वासन के लिए जमीन दी जाएगी। लेकिन वो 3 महीना के बाद भी, आज लगभग 6 महीना होने चला है, उसके बाद भी ये स्थिति है कि सिर्फ वो कागज पे ही काम हो रहा है। और विडंबना ये देखे रजनी कि जो विस्थापित जो बांध पे बसे हुए हैं जिनका इनका जमीन गंगा और महानंदा और कोसी के कटाव में नील ली गई है, उसके बाद ये लोग गांव के लोग ये लोग पलायन कर बांध पे बसे हुए हैं और आज ये स्थिति है कि उस बांध से सिर्फ रोड बनाने के नाम पे वहां से भी लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये लोग जाए तो जाए कहां, और सरकार नहीं है। जी आशियाने भी उजड़ रहे हैं, अब जाएं तो जाएं कहां, सरकार सुन नहीं रही है। विक्टर झा जो इस आंदोलन में इन लोगों का साथ दे रहे हैं इस वक्त न्यूज इंडिया से भी जुड़ चुके हैं, फोन पर मौजूद हैं। विक्टर झा जी स्वागत है आपका। मांग क्या है आप लोग की मुख्य? जी हमारा मुख्य मांग है, जो पिछले बार हमने आंदोलन किया, मैं 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और पिछले साल जन आंदोलन को कुचलने के लिए बिहार सरकार और जिला प्रशासन तत्कालीन डीएम साहब ने झूठ का सहारा लिया, फरेब का सहारा लिया और आज 6 महीने बीत गए। जो उन्होंने कहा था कि निश्चित टाइम के मतलब 1-3 महीने के अंदर सभी विस्थापितों का पुनर्वासित करवा दिया जाएगा, लेकिन आज 6 महीने के बाद भी एक भी लोगों को पुनर्वासित नहीं करवाया जा सका। वहीं दूसरी तरफ इस विपरीत परिस्थिति में बाढ़ और बारिश के समय में लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, जीसीबी से लगा के डरा धमका के रोज
हम जब से ये आंदोलन स्टार्ट किए हैं 8 तारीख से, उसके बाद तो और सा स्पीड धर लिया है प्रशासन। तो हमारा ये कहना ये देखिए कि बांध जो है आज 40 साल से रिपेयर नहीं हुआ, रोड नहीं बना, लेकिन आज ही रोड बनाना था, आज ही रिपेयर करना था इस बारिश में और बरसात के समय में। विक्टर जी, यानी आप कह रहे हैं जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। जी, ये जानबूझ के ही परेशान किया जाए, क्योंकि ठेकेदारी जो है ये आप लोग को पता होगा कि अर्थवर्क का काम है, और ये जो मंत्री हो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, एमपी हैं, उनके चहेते लोगों को ठेकेदारी मिला है, काम होगा तो आधा बंदरबांट होगा। अच्छा, ये लोगों सरकार, का है। सरकार से कुछ शिकायतें भी आपकी होंगी। नीरज यादव जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आप कोई सवाल चाहें तो उनसे कर सकते हैं। आरजेडी के विधायक है, स्वागत है नीरज यादव जी न्यूज़ इंडिया पर। हम नीरज जी से हम कहना चाहते हैं कि आप और सांसद महोदय, आप जिस जगह बांध पे रोड बने उसके लिए फीता काटने गए थे, आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आप उसी जगह के लोग हैं जो कि आप भी इस विस्थापन क्या है, कटाव क्या है, आप जो आप देखे हैं, आप भी इस चीज को बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आपको ये महसूस करना चाहिए कि इस बारिश के समय में, बाढ़ के समय में इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, और आपको वहां पे जाके इनका विरोध करना चाहिए, ना कि वहां पे रोड बनाने के लिए फीता काटना चाहिए आपको और तारिक साहब को। ये शिकायत है हमारे आदरणीय नीरज भाई से। नीरज जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। शिकायत से शुरुआत हुई है, क्योंकि थोड़ा दुख में है लोग, और शिकायत अगर हम जनप्रतिनिधि से नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है ये करने का। असल में मैडम ऐसा है, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देती हूँ, न्यूज इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र के ज्वलंत समस्या को, ज्वलंत समस्या को आपने इस चैनल में खबर बनाया है, और हमारे साथी विक्टर झा जी के कार्यक्रम का कवरेज किया है, आपको धन्यवाद है। लेकिन असल में है क्या, पिछले साल भीषण बाढ़ आया था बरारी सहित मनिहारी अहमदाबाद में, गंगा लेट से उफनाई थी, और उसमें हम लोगों ने बड़े प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम लगाया था बरारी विधानसभा, और हमने कहा कि ये जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, गरीब गुरबा, इनके कई पुरखे गुजर गए, आज तक इनके दरवाजे से सड़क नहीं गुजरा, और इनको सड़क की जरूरत है, इनको बिजली की जरूरत है, हम लोगों का उन लोगों का सामान्य जीवन देना चाहते हैं, उनके घर में भी शौचालय हो, उनके बच्चे भी पढ़ें, उनकी बच्चियां भी मैट्रिक साइकिल पर चढ़ के हाई स्कूल और इंटर करें, ये मेरे मन में था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि सर इनको भी समान रूप से जीने का अधिकार है, गरीब गुरबों को। अच्छा, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डीएम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश जी, उनसे भी एक सवाल कर लेते हैं। स्वागत है मिथिलेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी, ये जो आंदोलनकारी हैं, जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने वहां से जबरदस्ती हटा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हम जाएंगे कहाँ, आप हमारे घर उजाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, प्रशासन का ये रुख है इनके खिलाफ, ऐसा रुख बात नहीं है। देखिए, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बांध पर ही रह रहे हैं, और मैं कई बार वहाँ गया हूँ, वहाँ पर मैंने खुद देखा है कि लोगों के जो घर बने हैं वो बांध पर है, और बांध के दोनों किनारे में या कम से कम एक किनारे में लोग अस्थायी रूप से झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो रोड जो बन रही है उसके लिए भी हमने आदेश निकाला है यहाँ से कि रोड बनाने के क्रम में किसी की झोपड़ी न तोड़ी जाए। झोपड़ियां अगर आपने देखी होंगी तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आराम से उसको पीछे हटा लेते हैं और रोड बनने के बाद फिर से उसी जगह पे लगा सकते हैं या थोड़ा नीचे उतर के लगा लेते हैं। जी मतलब जी, हाँ बताइए। हाँ जी, क्या जानना क्या चाह रहे हो आप? आप सुनना चाहेंगे लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? एक बार फिर से हम सुनवाते हैं उन विस्थापनों की बात जो आपसे शिकायत भी कर रहे हैं, गुहार भी लगा रहे हैं, सुनिए आप जरा। और हमारी घर जो आज 15 साल से बांध पर हैं, और हम लोग बेघर हैं, जिस पर जेसीबी लगा करके हम लोग का घर तोड़ फोड़ करने के लिए पदाधिकारी तैयार हैं, तो उस पर हम लोग अरे हुए हैं। सर, हम लोग के पास घर द्वार नहीं है, हम लोग कहाँ जाके रहेंगे? वो लोग कह रहे हैं हम लोग को इससे बात से कोई मतलब नहीं है। जमीन क्या है? बिल्कुल गंगा में कट के, मतलब हम लोग विलीन हो गया है। हम लोग को इतना दिक्कत है कि प्लास्टिक का घर बना के रह रही हूँ, और मैं हैंडीकेप्ड हूँ, और मेरा वहाँ पे सबका प्लास्टिक का घर है। जब आंधी तूफान आता है
तो सारा घर को उजाड़ देता है, और सब क्या है कि बारिश में भींग करके कितना बिजली में मर रहा है, कितना बारिश में भींग रहा है, चीज का कोई लाभ नहीं। और अभी तक सरकार हम लोगों को कोई लाभ नहीं दिया है। दूसरी बात, जब हम लोग आंदोलन में बैठे थे 20 दिसंबर को 2016 में, तो हम लोग को टाइम दिया था 3 महीना का, 3 महीना से 6 महीना गुजर गया, आज तक हम लोग को कोई सुविधा कोई लाभ कहीं जमीन नहीं दिया है। क्यों जा रहा है, जब ये कह रहे हैं हम कहां जाएं, तो पहले पुनर्वास तो करिए, उसके बाद वहां से हटाइए इनको। पुनर्वास के लिए प्रक्रिया अपनी जारी रखे हुए हैं, और आपने देखा होगा कि ये जो परिवार वहां विस्थापित होके हैं, कई कई परिवार तो पिछले एक पीढ़ियों से हैं, 20-20 सालों से, या जो बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों से वहां पर है। तो समस्या तो गंभीर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 महीने पहले कोई आया हो, बहुत दिनों से वो लोग वहां पर है। और ऐसा नहीं कि हम किसी की झोपड़ी उखाड़ के वहां से भगा रहे हैं, वहां से हम लोग जमीन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। और आज मैं अपनी मीटिंग में बैठा हूं सभी पदाधिकारियों के साथ, तो मेरे पास जो भी आंकड़े बता रहे हैं, करीब 15,000 परिवारों को बसाया भी जा चुका है, और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको नहीं बसाया गया, करीब 7,000 ऐसे परिवार हैं जिनको बसाया जाना है। लेकिन जब तक हमारे पास रेवेन्यू विलेज वाइज डेटा नहीं रहेगा कि कितने परिवार हैं, कहां से विस्थापित हुए हैं, और कहीं भी जमीन देने के लिए उसके लिए प्रॉपर एक अभिलेख खोलना पड़ता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो विस्थापन हेतु जमीन जो ली गई थी उस जमीन पर बसे हुए हैं, लेकिन उस जमीन का उनको कागज नहीं है, तो उनको ये लगता है कि वो अभी भी विस्थापित है, उनके वहाँ घर बन चुके हैं, पक्के मकान बन चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको कागज नहीं है, इसलिए वो अभी भी अपने आप को विस्थापित की श्रेणी में रखते हैं। तो हम लोगों ने पूरी यहाँ पे गंभीर समीक्षा की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक सप्ताह के भीतर भीतर हम लोगों को जमीन देने का काम शुरू करने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और वक्त चाहेंगे। नीरज यादव जी विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, जिलाधिकारी अपनी बात बता रहे हैं, सरकार को अब मिलकर नहीं जल्दी से हल निकालना चाहिए, अगर जमीन नहीं मिल रही है जमीन कहाँ होगी, ये सरकार को भी सोचना है। नहीं, वो तो मैडम ऐसा है, हम तो पहले ही कहे कि महागठबंधन की सरकार जो है सचमुच में विकास के साथ न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है। और हमारे साथी विट्ठल झा जी ने कहा कि आप और सांसद जी फीता काटे, ये तो कोई भी जनप्रतिनिधि रहते हैं तो ये तो उनका एक सतत प्रक्रिया है, कोई भी परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन क्षेत्र के जो विधायक और सांसद होते हैं उनको करना है, वो तो प्रोटोकॉल है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितने विस्थापित परिवार हैं उसको हम लोग बसाएंगे, जैसा कि जिला पदाधिकारी जी ने आपको कहा कि 15,000 परिवार चिन्हित हुए हैं, हो सकता है उस आंकड़ों में कुछ और कुछ बढ़े या फिर घटे, तो हम लोगों ने विस्थापित परिवार को चिन्हित कर लिया है। जो जो समस्याएं हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि विस्थापित का जो जमीन हम लोगों ने परचेज किया वहां लोग घर बना लिए हैं लेकिन पेपर नहीं बना है, ठीक ही कहा जिला पदाधिकारी ने कि एक सप्ताह के अंदर हम इन सारी समस्याओं पर काबू पा लेंगे। और जान लीजिए कि वो जो कह रहे हैं कि बांध पर सिर्फ मिट्टी का काम हो रहा है, ये ग्लोबल टेंडर हुआ है, नेशनल स्तर के संवेदक ये काम लिए हैं, इनको कच्ची काम नहीं करना है, पक्की सड़कें बनानी है उन पर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बरारी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा मैडम, बांध पर सड़क बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो वो तो मान रहे हैं ना लोग कि जरूरी है, लेकिन पुनर्वास भी तो जरूरी है। मिथिलेश जी, आवाज आ रही है तो आपसे एक और आखिरी सवाल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए आपसे सवाल कि लोग फिर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं ये सब कुछ। वो कह भी रहे हैं कि हम कहां जाएं, तो प्रशासनिक अधिकारी जो जा रहे हैं वो कह रहे हैं हम इससे कुछ मतलब नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा कि जो लोग वहां घर बना के रह रहे हैं वो किसी का पक्का मकान नहीं है, झोपड़ी कोई पक्की नहीं होती है, बांस के ऊपर उनका स्ट्रक्चर बना अस्थायी मकान है, तो अस्थायी मकान में हम किसी को भगा नहीं रहे हैं, आप इस चीज समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि झोपड़ियां हटाई नहीं गई होंगी, तो ठेकेदार या जो उनके संवेदक रहे होंगे रोड वाले, उन लोगों ने झोपड़ियां लोग हटाई होंगी सिर्फ इसलिए कि मिट्टी काम कह सके, लेकिन जो अस्थायी घर है वो तो अस्थायी रूप से हटाया भी जा सकता है और अस्थायी रूप से उसको फिर वहां लगाया भी जा सकता है। हमने किसी व्यक्ति को वहां से हटने के लिए नहीं कहा है, और अभी जब मामला मेरे संज्ञान में आया है तो हमने सभी जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और उनके ठेकेदार हैं उनको भी अपने यहाँ से निर्देश दिया है किसी भी परिवार की झोपड़ी टूटनी नहीं चाहिए।
चलिए, ये आस कम से कम आप पुनर्वास को लेकर जो दे रहे हैं न्यूज इंडिया पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया क्योंकि आप बहुत व्यस्त है। तार किशोर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं। स्वागत है तार किशोर जी, आवाज आ रही है? हाँ। तार किशोर जी, जनता गुहार लगा रही है, सबके पास जा रही है, कह रहे हैं कि पुनर्वास की आस में हम बैठे हुए, हमारा पुनर्वास कब होगा, हमारे आशियाने को हटाया जा रहा है, मानसून है, हम जाएं तो जाएं कहां? नहीं देखिए, जो हमारे कटाव के कारण हमारे ग्रामीण जो विस्थापित हुए हैं उनकी पुनर्वास की समस्या है, लेकिन सरकार उदासीन रही है। तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने आनन फानन में कई कमिटमेंट कर लिए जो उनके दायरे के बाहर का भी मामला था, और फिर स्थिति जो कि तो रह गई। हमने इसे विधानसभा में भी रखा था जी। उस समय के तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने जो नियत समय नियत निर्धारित करके जनता से कमिट किया था कि हम उन्हें पुनर्वास करेंगे, उन्हें जमीन उपलब्ध कराएंगे, वो तिथियां बीत गई, विस्थापित फिर आज आंदोलन के मूड में है। सरकार को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए, और यह कटिहार से पुराना जुड़ा हुआ सवाल है, और ऐसा सवाल है जिसमें सभी लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है, और सभी लोग लगेंगे तभी ये जो एक जटिल समस्या है वो उसका निदान होगा। ठीक है, निदान करेंगे। विक्टर झा साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्थिति है 1972 के बाद हुआ, ये कटाव का जो स्थिति है और फ्लड का, और इसका गहन अध्ययन किया जाए, और जब से फरक्का में ब्रिज बना है तब से ये ज्यादा इस एरिया में कटाव और बाढ़ से जो है जो प्रभाव ज्यादा हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि नीरज भाई से भी बात किए, आदरणीय डीएम साहब भी हैं, सबको लाइन पे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को जो विस्थापित जो भी थे वो पुनर्वासित करवाया गया है 10-15 साल पहले, वो मुझको मुंह पे याद है कि कहाँ कहाँ पे लोग हैं, और जो सीज का जमीन है जिसपे लोग हैं उनको अभी तक बासगीत पर्चा नहीं मिला है। बासगीत पर्चा नहीं मिलने के कारण जो सरकारी योजनाएं हैं, नीरज भाई सुन रहे होंगे, जो आपके सरकार का सात निश्चय है, सात निश्चय जो है, सात निश्चय से ये लोग महरूम हैं। तो आपका एक तरह जो आपका जो विकास का जो ये है संकल्प है विकास करने के लिए, वो इन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। इसलिए जो भी लोग विस्थापित अगर ऐसे सरकारी जगह जमीन पे हैं, उसको अगर बासगीत पर्चा नहीं है तो बासगीत पर्चा देने के बाद ही उनको जो है साथ जो निश्चय है वो उनके ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा बात रहा बात तोड़ने का, झोपड़ी जो है आप जाएंगे बांध पे तो एक लाइन में तीन परिवार लोग का घर है, किसी का ऊपर में है, किसी का बीच में है, किसी का नीचे में है। तो आप ऊपर वाले को हटाइएगा, बीच वाले को कहाँ हटाइएगा, नीचे वाले को किधर हटाइएगा, वस्तु स्थिति स्थल पे ही जाके देखा जा सकता है। और रहा बात की इसमें हम लोग करो या मरो का ये सत्याग्रह है, 23 तारीख तक अगर हमारा बिहार सरकार इस बात को नहीं मानती है तो ये लास्ट लड़ाई है। हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए कफन बांध के बैठे हैं। 24 तारीख के सुबह से पूर्ण नाकाबंदी होगा, ये कटिहार की आजादी की दूसरी लड़ाई है। सरकार को इस बार आर पार का लड़ाई लड़ना होगा हम लोगों से, इसलिए 23 तारीख तक समय है उनको कि इस मांग को पूरा करे। यानी 24 को आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा। नीरज यादव जी आप कह रहे हैं 24 तारीख को पूर्ण नाकाबंदी होगा, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जुड़े जितने भी उपक्रम है सब में तालाबंदी होगा। नीरज जी जवाब। मैडम ऐसा है, हम विक्टर भाई से अपील करेंगे कि भाई आप इस तरह से आक्रामक आंदोलन न चलाएं। गांधी जी का था नारा करो या मरो, तो हम लोग को जो गांधीवादी तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, जिला प्रशासन लगा हुआ है, राज्य सरकार सचेष्ट है, हर व्यक्ति को हम लोग रोटी कपड़ा मकान देने का जो संकल्प है, या किसी भी सरकार की, महागठबंधन सरकार की तो है ही, यही एक ऐसी दुनिया में सरकार बनी है लोकतंत्र चुनाव के बाद, जो कहा सो किया, वादे से पीछे हटने वाले नहीं है हम लोग संकल्प लिए हैं। जो विस्थापन का समस्या बरसों बरस का ये मामला है, सिर्फ कटिहार का नहीं है, अन्य जिलों का भी है,
चाहे जिन अधिकारियों के कारण से, ये ठीक ही हमारे जिला पदाधिकारी जी ने कहा है कि पिछले 20-25 साल का ये मामला है, और विक्टर झा जी ने तो कहा कि गंगा वहां फरक्का ब्रिज के कारण ये समस्याएं हुई हैं। बिल्कुल सहमत है वो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर बिहार में जो गंगा का तबाही मचता है उससे निजात दिलाने का आग्रह किया है। भारत सरकार ने उसकी सर्वे कराई है, गंगा का गाद को कैसे हम लोग सफाई करें। एक तो उस ओर काम कर, सैकड़ों जो पुनर्वास की आस में लोग हैं आंदोलनकारी, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे, उनकी मदद के लिए आप क्या धरना स्थल पर जाएंगे उन्हें मनाने के लिए? हम उनके तकलीफ में उनके साथ हैं, हम उससे अलग नहीं है। जैसा कि जिला पदाधिकारी जी ने भी कहा, वही चीज हम भी कह रहे हैं कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित संवेदक को ये कहा गया है कि किसी भी झोपड़ी वाले का घर नहीं तोड़ना है हम लोग। लोग अपनी सहमति से अगर थोड़ा सा हट जाते हैं, मिट्टी का काम थोड़ा सा हो जाता है, फिर लोग बनाएंगे वहाँ। अगर जब तक हम बसा नहीं जाते हैं, बसाते नहीं है, तब तक रहेंगे वो वहाँ। ठीक है, आप जाकर खुद देखेंगे। आप न्यूज इंडिया पर बोल रहे हैं, शायद आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि आंदोलन आगे बढ़ने के पहले इन लोगों को पुनर्वास की जो आस है, यानी पुनर्वास हो जाएगा। नीरज यादव जी, वक्त दिया आपने, शुक्रिया। तारकिशोर जो कि विधायक हैं खुद, उन्होंने ये वक्त दिया, शुक्रिया आपका। विक्टर झा साहब, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आश्वासन मिला है तो वो सच होगा, पिछली बार जैसा नहीं होगा, उम्मीद यही करते हैं। कटिहार से हमारे संवाददाता भी जुड़े थे श्याम कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से इस मंच के जरिए आश्वासन मिला है, उम्मीद करते हैं कि इस बार ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन नहीं होगा, पुनर्वास को लेकर जो आस है वो पूरी जरूर होगी। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।